अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में तो फिर हाजिर। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने स्टार्ट में एक वीडियो प्ले होती हुई देखी है, तो इस किस्म की वीडियो किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, वीडियो स्टार स्टेटस एडिटिंग हम किस तरीके से बना सकते हैं काइन मास्टर के अंदर, लाइट मोशन के अंदर नहीं बता रहा, काइन मास्टर के अंदर बता रहा हूँ। वैसे ये वीडियो लाइट मोशन के अंदर बनती है, लेकिन मैं आपको काइन मास्टर के अंदर बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और जो तमाम लिंक्स होंगे, जो चीज़ इस्तेमाल करूँगा, उनका लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से जाके आपने उनको भी डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी फ्रेंड्स, तो आपने सबसे पहले काइन मास्टर को अपने मोबाइल स्क्रीन में इंस्टॉल, जब आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, आपने काइन मास्टर को ओपन करना है, ठीक है? जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपने ऐसे ही प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 1:1 वाले रेशो को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ से आपने ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, ठीक है? और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के 20 सेकेंड तक जितना भी रखना चाहते हैं, जितना आपका स्टेटस है उतना आपने इसको वहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है? इतना काम हमने कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉन्ग ऐड करना है, ठीक है? तो लिंक में मैं आपको सॉन्ग भी दे दूंगा, अगर आप वो लगाना चाहते हैं वो लगा लें, या आप अपना कोई और सॉन्ग लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो अगर ऑडियो होगी तो आपने ऑडियो में जाना है और यहाँ से आपने सॉन्ग को सिंपली ऐड कर लेना है। लेकिन मेरे पास वीडियो में पड़ा है, तो मैं यहाँ से लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और उस वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ से उसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेता हूँ मैं, और जो ऑडियो है वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है? मैंने एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया, ऑडियो मेरे पास आ गया, वीडियो को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है? और यहाँ से मैं ऑडियो के हिसाब से जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको ट्रिम कर देता हूँ। आपने ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, सीजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और जो एरिया आप ट्रिम करना चाहते हैं उस साइड से आपने उसको ट्रिम कर देना है, ठीक है? दोबारा आपने स्टार्ट में चले जाना है। अभी आपने यहाँ पर जो लिरिक्स हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है? कि लिरिक्स आपके सॉन्ग के अंदर हैं कौन कौन से, ठीक है? तो यहाँ से आप लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और जो मेरे लिरिक्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है? नैना की जो बात, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसका स्टाइल आप जो मर्ज़ी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं डबल ए में जाता हूँ और यहाँ से मैं जो इसका स्टाइल है वो ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है? इसकी लेंथ आपने बढ़ा के एंड तक ले जानी है। इसका मकसद क्या होता है एंड तक ले जाने का, ताकि अगर आपने जो नेक्स्ट लिरिक्स भी आप लिखेंगे ना, वो इसी बिल्कुल रूटीन के अंदर वो बाकी लिरिक्स भी आएंगे, ठीक है? तो नैना की जो बात, नैना जाने हैं, मैं यहाँ से सुन लेता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ तक क्या नैना की जो बात, और आगे यहाँ से और कट लगाएंगे इसको। यहाँ पर कट लगाने के बाद हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं नैना की जो बात है, उसके आगे है नैना जाने हैं, नैना जाने हैं, ठीक है? सॉरी ये नहीं डाला, यहाँ पर इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको। आगे फिर दोबारा प्ले करता हूँ, यहाँ पर है सपनों के राज। तो इस तरीके से आपने साथ साथ जो है सुनते जाना है और साथ साथ आपने लिखते जाना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपनों के राज, इसको भी ओके कर देता हूँ, फिर दोबारा प्ले करता हूँ। आगे है फिर तो नैना जाने हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ तो नैना जाने हैं। तो यहाँ से तो तमाम जो है कैपिटल में लिख रहा हूँ, नैना जाने हैं, ओके कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा यहाँ पर आ गया, सारी जो बात है जो लिरिक्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और अभी क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। आपने दोबारा स्टार्ट में चले जाना है, यहाँ से आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको सिंपली टू फिट स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट स्क्रीन करने के बाद दोबारा इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है? और ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट के बिहाइंड जो है वो हमारा जो हमने ब्लैक स्क्रीन ऐड किया वो आ गई है। इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये इतना काम हो गया है, अभी क्या करना है आपने
यहाँ से जाना है लेयर में और ओवरले में जाना है, ठीक है। ओवरले में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने गेट मोर में जाने के बाद, काइन मास्टर के गेट मोर में जाने के बाद वहाँ से ओवरले आपने डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक स्टार वाला ओवरले जो है उसको ऐड करता हूँ, ये वाला, और इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा के मैं एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है। एंड तक जाने के बाद अभी आपको स्टार्ट करेंगे तो ये से यदि आप देख रहे हैं ये जो आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये स्टार। तो जितने हमने कट्स लगाए थे ना अपने लिरिक्स में, उतनी ही कट इस स्टार के अंदर लगा देने हैं। यहाँ से स्टार को सेलेक्ट करना है, ट्रिम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्प्लिट प्ले ऐड प्ले हेड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे एक कट लग गया, दोबारा आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसको एंड तक लेके जाना है और जहाँ पर टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर आपने एक और कट लगा लेना है इस तरीके से। फिर दोबारा आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर आपने एक और कट लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो एक ओवरले है वो हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे लेयर में, दोबारा हम ओवरले वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं आपको एक और जो स्टार है वो भी आपने लगाना है, आपने ये वाला जो सेकंड वाला है इसको आपने ऐड करना है और इसकी लेंथ भी आपने बढ़ा के एंड तक ले जानी है, ठीक है। लेकिन इसका इसको लगाना किस तरीके से, आप जैसे स्टार्ट में आएंगे ना, आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से, जैसे ये प्ले होगा आपने इसको सेलेक्ट करना है, वीडियो को गौर से देखिएगा, इस तरीके से आपने रोटेट करना है इसको। रोटेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लगाना है इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे जैसे आपने पहले कट्स लगाए थे वैसे ही आपने दोबारा इसको भी कट्स लगाने हैं। इसको हमने यहाँ पर एक कट ले दिया, यहाँ पर जो आगे वाला एरिया है इसको दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और इस तरफ हम वीडियो के जो हमारे लिरिक्स हैं उसकी दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, इस तरीके से रोटेट करेंगे, साइज़ वही रखना है, ठीक है, रोटेट सिर्फ करना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर इसको हम इस जगह पर रखते हैं, ठीक है। अभी दोबारा फिर हमने इसको आगे रोटेट करना है जो टैक्स होगा और एक और कट लगाना है इसी को, और यहाँ से कट लगाने से प्लेट एट प्ले हेड करना है, एक और कट लग जाएगा और दोबारा से इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ ऊपर की तरफ आपने इस तरीके से रोटेट करना है और यहाँ आपने ऊपर लगा देना है इसको इस जगह पे, ठीक है, ओके कर देना है। दोबारा आपने एक और कट लगाना है इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, एक और कट लगाना है यहाँ से प्लेट टू प्ले हेड, ठीक है, यहाँ से दो लास्ट वाला होगा इसको दोबारा सेलेक्ट करना है और इसको आपने यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ पर लग गया इतना जी फ्रेंड्स। तो बाकी तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद, जैसे कि ओवरले ऐड करने के बाद अभी क्या करना है, अभी देना है एनिमिनेशन और आउट एमिनेशन जो हमारा टैक्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको एमिनेशन जो है वो दे रहे हैं हम स्लाइड राइट, ठीक है, और इसको आउट एमिनेशन जो है वो देंगे स्लाइड राइट ही देंगे, क्योंकि स्लाइड ये राइट साइड से आएगा और राइट साइड पे ही निकल जाएगा, ठीक है। जो सेकंड वाला है उसको एमिनेशन देंगे स्लाइड लेफ्ट और जो आउट एमिनेशन होगा वो भी उसको स्लाइड लेफ्ट देंगे। ये हम ओवरले के हिसाब से दे रहे हैं, जो सेकंड वाला ओवरले हमने ऐड किया था ना वाइट स्टार जो ऐड किए थे वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से थे, ठीक है। तो इसको जो थर्ड वाला का है उसको जो एमिनेशन है वो देंगे स्लाइड डाउन, ठीक है, और इसको आउट एमिनेशन भी स्लाइड डाउन ही देंगे क्योंकि ऊपर से आएगा और नीचे ही चला जाएगा। और जो लास्ट वाला है इसको एमिनेशन देंगे स्लाइड अप और जो आउट एमिनेशन है वो भी इसको स्लाइड अप ही देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया, अभी आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगा, अगर यहाँ पर तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से हमारे सामने कुछ हो रहा है, लेकिन अभी क्या करना है, इसको कुछ जो एमिनेशन है वो और देनी है, ठीक है। वो किस तरीके से देनी है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है स्टार्ट में, बिल्कुल आपके इसके जो ये आपको प्ले हेड नजर आ रहा है रेड कलर का जो लाइन नजर, इसको आपने स्टार्ट में रखना है और यहाँ से आपने जो चाबी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है इसको सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करना है और यहाँ से पकड़ के इस तरीके से ऐसे करना है, फिर थोड़ा सा आगे रोटेट करना है और वापस यहाँ पर लेकर आना है, फिर थोड़ा सा आगे करना है और यहाँ पर इसको ओके कर देना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला लेयर टैक्स होगा उसको आपने दोबारा इसी तरीके से इस बार ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपने जो जो चाबी वाला ऑप्शन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करना है और यहाँ से ऊपर करना है, फिर आगे तरफ रोटेट करना है, फिर यहाँ से नीचे करना है, फिर आगे की तरफ रोटेट करना है, फिर यहाँ से इस तरीके से और फिर लास्ट पे इसको वापस यहाँ ऊपर इस तरीके से। जो थर्ड वाला है उसको भी आपने इस तरीके से ये जो इफेक्ट है वो देना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं दे रहा हूँ सिंपली आप देख लें, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। जो लास्ट वाला है उसको भी आपने इस तरीके से यहाँ पर रखना है, थोड़ा सा आगे की तरफ रोटेट करेंगे और यहाँ ऊपर, फिर थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर यहाँ नीचे, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर, ठीक है, और ओके कर दें। अभी आपने क्या करना है, स्टार्ट में जाना है, आपने यहाँ से लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो वहाँ से जाके आपने इन इफेक्ट्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। जहाँ पर आप ऐड रखेंगे
इसको बस यहाँ पर ही रहना है और यहाँ से आपने ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देंगे और जहाँ तक टैक्स हमारा ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पर जाके आपने इसको रोकना है और जो फालतू इसका एरिया होगा उसको स्लाइड करने के बाद यहाँ से आपने इसको ट्रिम कर देना है। ये एक लग गया, दोबारा लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, दोबारा आपने वही इफेक्ट जो है उनको सेकंड वाला लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी ऐसे सिलेक्ट रखना है, जहाँ जितना आएगा उतना ही रखना है, कोई उसको बड़ा नहीं करना, छोटा नहीं करना, सिर्फ ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन कर देना है। सिर्फ इतना काम ये करना है कि जो टैक्स होगा, जो आपने लिरिक्स लिखे होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे और जो फालतू उसका एरिया होगा उसको सिंपली आपने यहाँ से तरीके से कट करते जाना है, ठीक है। फिर अगला टेक्स्ट आ जाएगा, वहाँ पे आपने लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है और यहाँ से डाउनलोड में जाने के बाद जो नया आपका इफेक्ट होगा उसको आपने डाउनलोड ऐड करना है और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाने के बाद उसको भी आपने स्क्रीन कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और जो जहाँ तक ख़त्म हो रहे हैं टैक्स, वहाँ पर रखने के बाद इसको आपने इस तरीके से कट कर देना है यहाँ पर, जैसे मैं कर रहा हूँ। आगे लास्ट वाला रह गया, तो लेयर में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे और इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये वाला लगा देते हैं और इसको भी करते हैं ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन। ब्लेंडिंग में जाते हैं यहाँ से और स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जहाँ टैक्स ख़त्म हो रहा है वहाँ से जो फालतू एरिया होगा उसको इस तरीके से कट कर देना है, बस इतना काम करना है और वीडियो हमारी तैयार हो जाएगी। स्टेटस है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। एक ब्लैक स्क्रीन आई मूव आप बना सकते हैं इसको, ये लाइट मोशन में बनता है लेकिन काइन मास्टर में मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो वीडियो को एंड तक देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अभी इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे स्टार्ट में प्ले हुआ था सिंपली वैसे ही है, मैंने भी वो फ़ोन लगाया हुआ है, क्या कहते हैं माइक लगाया हुआ है, शायद आपको आवाज़ ना आए इसकी सॉन्ग की। तो अभी इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऊपर वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसकी जो ब्रेथ रेट है उसको हाई करने के 1080p में इसको एक्सपोर्ट कर, जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी गैलरी में ये सेव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। आज वीडियो को पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।